हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको प्री नर्सरी और नर्सरी के बच्चों के लिए ड्राइंग एंड कलरिंग वर्कशीट कैसे बनाएं बताने जा रही हूं। यहां पे मैं एक बहुत ही सिंपल सा कुर्ता ड्रॉ कर रही हूं, आप चाहें तो कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने कुर्ते की आउटलाइन ड्रॉ की है, आप चाहें तो इसके अंदर बच्चों को कलर करने के लिए दे सकते हैं। बच्चे चाहे इसके अंदर स्क्रिबल ही करें। अगर आपका बच्चा पेंसिल होल्ड कर सकता है तो आप इसके अंदर डिफरेंट टाइप की लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, डॉटेड लाइन बना करके। जैसे कि मैं यहाँ पे कुर्ते के स्लीव में स्लांट लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। अगर बच्चे को इन छोटी लाइंस को ट्रेस करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इनको बड़ी लाइंस ड्रॉ करके पहले प्रैक्टिस दे सकते हैं। मैंने पहले के वीडियो में बेसिक लाइंस की वर्कशीट प्रिपेयर करके बताई थी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये स्लांट लाइंस ड्रॉ हो चुके हैं, अब हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे इस तरह से, और फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर से स्लीपिंग लाइन, जिगजैग लाइन जिसमें कि दोनों तरह की स्लांट लाइंस आ जाएंगी। आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बेसिक लाइंस ही इसमें ड्रॉ करें। इससे बच्चे की प्री राइटिंग एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाएगी और बच्चा कलर भी कर लेगा इसके अंदर। जब आप बच्चे को कलर करने के लिए दें तो कई सारे क्रेयॉन्स दे सकते हैं और उसे फ्री छोड़ सकते हैं, वो अपनी चॉइस से कलर करे। चाहे तो वो सिंगल कलर भी कर सकता है क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। अगर बच्चे से आउटलाइन से कलर बाहर जाता है तो जाने दें, क्योंकि हमें उसके अंदर अभी इंटरेस्ट डेवलप करना है। मैं जहाँ तक समझती हूँ, छोटे बच्चों को ड्राइंग एंड कलरिंग में ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।